नमस्कार दोस्तों, आज से 20,000 वर्ष पूर्व धरती पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ऐसे ही युग को हिमयुग यानी आइस एज के नाम से जाना जाता है। उस वक्त धरती का एक तिहाई हिस्सा बर्फ से ढका था। धरती पर पिछला हिमयुग लगभग 10,000 वर्ष पूर्ण हुआ था, जिसकी निशानियां आज ही मौजूद है। हिम नदियाँ यानी ग्लेशियर हिमयुग की ऐसी ही निशानियाँ है। बर्फ़ से भरी घाटियाँ तथा नदियाँ विश्व के अनेक हिस्सों में फैली है। हिमयुग में धरती बर्फ़ की चादर से ढकी हुई थी। फिर तापमान बढ़ने के साथ साथ वह पिघलने लगी और उसकी जगह झीलें, चौड़ी घाटियाँ, मिट्टी तथा पत्थर लेने लगे। धरती पर बर्फ़ केवल ऊंचे पर्वतों तथा हिम नदियों में ही बची रह सकी। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर अब तक 11 हिमयुग हो चुके हैं। हिमयुग आने के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहले के अनुसार धरती पर तापमान इतना कम हो गया कि बारिश नहीं हुई, केवल बर्फ ही गिरती थी। और दूसरे के अनुसार धरती का झुकाव सूर्य से परे को हो गया था। हिमयुग के दौरान पाए जाने वाले जानवरों में मैमथ, पोलर बियर्स, भेड़िए तथा रेंडियर जैसे जानवर शामिल है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्ण हिमयुग में रहने वाले मनुष्य भी मौजूद थे। पुरुष शिकार किया करते थे, जबकि महिलाएं तथा बच्चे खाना बनाते तथा कपड़े वे रहने के लिए ठिकाने तैयार किया करते थे। शिकार किए जाने वाले जानवर के प्रत्येक अंग का वे उपयोग करते थे। इस वक्त धरती एक छोटे हिमयुग का अनुभव कर रही है। तो आज की वीडियो में नहीं, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।